नमस्कार। ऑनलाइन सीरीज मीट दी ऑथर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल। आज क्या खास हम लेकर आए हैं, सेक्टर गार्डनिंग है और गार्डनर क्लास 11 के लिए इससे संबंधित कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, करियर के क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें समझना चाहिए और कितना महत्वपूर्ण रोल ये अदा करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, देश के विकास की मुख्य धारा में, इस बात को भी समझने का हम प्रयास करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग जो है इस मुख्य प्रोग्राम का जो प्रसारण है वो आप देख सकते हैं PME विद्या के चैनल नंबर 6, 9 और 11 पर। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। चूंकि ये प्रसारण 11 पे आप देख रहे हैं, क्लास 11 के लिए है, तो dts.class11@cat.nic.in यहाँ पर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। साथ ही एक टेलीफोन नंबर हम ज़रूर अपने दर्शकों को प्रोवाइड कराते हैं विद्यार्थियों के लिए, ये नंबर आप देखें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 8800440559। यहाँ पर भी आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, हमसे फ़ोन कर सकते हैं और प्रश्न ज़रूर पूछें, क्योंकि एक्सपर्ट अगर हमारे साथ अवेलेबल हैं पूरे एक घंटे के लिए आपसे, तो निश्चित तौर पर आपकी शंकाओं का समाधान हम उनके साथ मिलकर करेंगे और ताकि आपको सही दिशा का भान हो और दिशा निर्धारित हो। हमारे साथ स्टूडियो से तो नहीं, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं भोपाल PSS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन से डॉक्टर RK पाठक, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पाठक आपका। थैंक यू, धन्यवाद। गार्डनर की हम बात कर रहे हैं, क्लास 11 का ये चैप्टर है, शुरू करते हैं सर, सारा समय आपका है। नमस्कार सभी को, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस सीरीज में हमने विभिन्न तरह के जो एग्रीकल्चर से कृषि से रिलेटेड जॉब रोल्स थे उनके बारे में चर्चा करी। जैसे हमने पैडी फार्मर्स के बारे में, 9th-10th के बारे में बात करी, फिर हमने ओपन कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर ओपन कल्टीवेशन के बारे में आपसे बात करी, फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में बात करी। अब उसी सीरीज में हम आप गार्डनर के बारे में आपको बता रहे हैं। गार्डनर कहने में शब्द हल्का सा लगता है, गार्डनर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जॉब जो धर्मेंद्र जी ने बताया था परिचय में कि इसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत सी संभावनाएं हैं। जैसे नर्सरी का काम आप कर सकते हैं, प्लांट प्रोपोगेशन का, मल्टीप्लिकेशन का काम कर सकते हैं, प्लांट केयरिंग का काम है, लॉन मेंटेनेंस का काम है, और बहुत से आपने देखे हैं जो प्ले ग्राउंड्स होते हैं जहाँ टर्फ ग्रासेस होती हैं, चाहे क्रिकेट ग्राउंड हो, गोल्फ ग्राउंड हो, तो उनके में भी गार्डनर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी लान होती है उनको मेंटेन करने के लिए। तो इसमें बहुत स्कोप है। प्लांट मटेरियल आप तैयार करते हैं, पॉटेड प्लांट हैं और इंडोर प्लांट हैं, आउटडोर प्लांट्स हैं, तो उनको भी हम इनमें जानते हैं। दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लैंडस्केप एंड डिजाइनिंग की बात है। जो आपके पास पीस ऑफ लैंड अवेलेबल है, आपके पास जो जमीन का टुकड़ा है, उसको कैसे ब्यूटीफाई करें, उस कैसे गार्डन डेवलप करें, किस तरह के गार्डन होते हैं, गार्डन के हिसाब से हम, जैसे आप हमारे पास 1 हेक्टेयर जमीन है उसमें गार्डन करना है, तो उसको अनड्यूलेटेड जमीन है तो उसको कैसे ब्यूटीफाई करें, कौन से पौधों का सिलेक्शन करें, कौन सी हम एनुअल पौधे हैं जो फूलदार पौधे कौन से लगाएं, कौन सी लताओं का यूज करें हम, और कौन से पौधे ऐसे होते हैं जो वातावरण के लिए, जो स्थान विशेष के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर देश के विभिन्न भागों में जो पौधे होते हैं, अलग अलग तरह के पौधे ग्रो होते हैं। तो गार्डनर में ये भी मालूम होता है कि साउथ में कौन से पौधे हम लगाएंगे, नॉर्थ के लिए कौन से लगाएंगे, ईस्ट के लिए, वेस्ट के लिए, डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से पौधे जो हैं जो सक्सेस रहते हैं, उनका उनका चयन हम कैसे करें। तो इन सब चीजों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो गार्डनर के बारे में मिलती है आपका। और फ्लोरस और फ्लावर प्रोडक्शन का काम है, जो फ्लावर प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए जो हमने बताया था हम आपको पहले, हमने से कैरिकुलम है जो हमारी साइट पर pssiv.ac.in पे अवेलेबल है, ये उसका कैरिकुलम। और कैरिकुलम में मतलब ये है कि जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल, उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि जो QP होती है, क्वालिफिकेशन पैक है, उनमें उन्होंने बताया कि भविष्य में हमें इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी इस कंट्री में काम करने के लिए, देश में जो मैन पावर होगा, जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसमें गार्डनर का भी जॉब रोल। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन और उनका सजेशन था, उससे हमने फिर कैरिकुलम डेवलप कराया कि उन्होंने जो हमें नॉस दिए थे नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स की, हमें इस तरह के लोगों की जो स्किल होनी चाहिए गार्डनर के पास, वो ये होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि हम बहुत गार्डनर अपॉइंट होते हैं, गार्डनर्स होते हैं हर ऑफिस में, सरकारी है, प्राइवेट है, सब जगह माली काम करते हैं, गार्डनर होते हैं लोग, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई हम क्वालिफिकेशन प्रॉपर फिक्स नहीं कर पाए, क्योंकि उस तरह की कोई ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं थी, या जो ट्रेनिंग अवेलेबल है तो शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रेनिंग अवेलेबल है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो हमने कैरिकुलम बनाया, और कैरिकुलम बनाने के बाद में
उसके हमने ये बुक डेवलप की, जो कि बुक भी आपकी एनसीईआरटी की वेबसाइट पर और पीसीसीआईबी की वेबसाइट पे ये अवेलेबल बुक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बाकी परचेज करना चाहें तो परचेज में ये बुक अवेलेबल भी है आपकी है। तो ये जो जॉब रोल्स है कई स्टेट में चल रहा है और इसकी डिमांड भी ज्यादा है, तो उसके पहले हम आपको बता दें कि इस कोर्स में हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं, कंटेंट क्या है क्लास 11th का, क्योंकि पूरा जो जॉब रोल है ये हमने क्लास 11th और 12th में हमने कंप्लीट किया है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लास 11th का है। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू फ्लोरिकल्चर के बारे में बताया, इसके परिचय कराएंगे कि फूलों की खेती और सब ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी विस्तार से दी गई, इनका क्या कंट्री में डिमांड क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, इन सब के बारे में। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, उस सभी में जो एग्रीकल्चर में हम देखते हैं, चाहे ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हो या और कोई क्रॉप्स हो, उसमें नर्सरी का बहुत ज्यादा महत्व है, तो उसमें नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में आपको जानकारी देंगे, उसमें सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 में बांटा है हमने इसको, और उसमें नर्सरी एंड इम्पोर्टेंस क्या है, ग्रोइंग मीडिया नर्सरी के लिए कौन कौन से मीडियम यूज कर सकते हैं, हम ग्रोइंग मीडिया क्या है, और सीड्स, सोइंग ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो गार्डनर को होना चाहिए वो है प्लांट प्रोपोगेशन, यानी कि प्लांट का मल्टीप्लीकेशन, कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक पौधे से अनेक पौधे हम कैसे तैयार कर सकते हैं, तो प्लांट प्रोपोगेशन बाय कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, ये ऐसे मेथड हैं जो बहुत कॉमन मेथड हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। उसके बाद गार्डन टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो गार्डन में हमें कौन कौन से बेसिक टूल्स इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है और मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद सॉइल मैनेजमेंट की बात आती है, जो कल्टीवेशन का पार्ट है, जो प्रोडक्शन करेंगे, सोइंग करेंगे, तो उसमें सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सॉइल खराब सॉइल है मतलब ऊसर लैंड से कहती है, सेलाइन सॉइल है, एल्कलाइन सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, तो उसको हम कैसे सुधारेंगे, रिक्रिमिनेशन कैसे करेंगे इंप्रूवमेंट के लिए, और उसके लिए हम फील्ड को कैसे तैयार करेंगे और उसके लिए कौन कौन सी स्पेशल प्रैक्टिसेस हैं, तो इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे आपको। अब जो पहली यूनिट है जिसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि फ्लोरिकल्चर के बारे में, तो फ्लोरिकल्चर जो है ब्रांच हॉर्टिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर में क्या है कि हॉर्टिकल्चर जो एक सब्जेक्ट है उसमें हम ऑलेरिकल्चर यानी कि वेजिटेबल्स के बारे में बात करती हैं, फूलों के बारे में भी बात करती हैं, फल के बारे में बात करती हैं, और उनकी प्रोसेसिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि प्रोसेसिंग के बारे में बात करती हैं। अब जहाँ फ्लोरिकल्चर की बात है तो फ्लोरिकल्चर में सिर्फ हम फूलों की खेती के बारे में करते हैं, कल्टिवेशन का है, मार्केटिंग है, प्रोसेसिंग है, और उसके अलावा लैंडस्केप एंड डिजाइनिंग के बारे में बताते हैं कि आपको लैंडस्केप कैसे बनाना है, डिजाइन कैसे कर सकते हैं, पॉटेड प्लांट कौन से होते हैं जिनमें गमलों में कर सकते हैं, क्यारियों के लिए कौन से पौधे हैं, यानी डिफरेंट पर्पज से हम कैसे पौधों को यूज कर सकते हैं, ये समग्र जानकारी जो होती है वो फ्लोरिकल्चर में हम देते हैं। तो बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट फ्लोरिकल्चर है तो फ्लोरिकल्चर में क्या क्या चीजें हमें जानना चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरिकल्चर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व फ्लोरिकल्चर का, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है आपको, आप देखते भी होंगे, आप बाजार में जाते हैं जहाँ फ्लावर परचेज करते हैं, फ्लोरिस्ट की में हम जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो वहां जब फ्लावर लेते हैं तो हमें दो तीन तरह के फूल मिलते हैं देखने को, तो कट फ्लावर्स मिलते हैं, दूसरा लूज फ्लावर मिलते हैं, और दूसरा कट ग्रीन्स दिखाई देते हैं। तो एक तो कट फ्लावर्स जो होते हैं, जैसे हम रोज है, कार्नेशन है, क्रिजेंथमम है, जरवेरा है, और ये तमाम तरह के जो पौधे होते हैं जिनमें कट फ्लावर का मतलब है जिनमें स्टॉक लगा रहता है, मतलब फूल के साथ में उसका तना भी उसके साथ में रहता है, स्टॉक रहता है साथ में, तो ऐसे कट फ्लावर हैं जैसे हम बुके बनाते हैं या और तरह के जो फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट तरह की, या जो और डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं, वहाँ कट फ्लावर की बहुत ज्यादा डिमांड है। इसीलिए ओपन कल्टिवेशन हो या प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन हो या गार्डनिंग में इन चीजों के बारे में, तो ये मतलब एक स्कोप है इसका, मतलब कट फ्लावर्स का ग्रो करने का। ये दूसरा लूज फ्लावर है, जैसे हम गेंदा है, गेंदे के फूल बाजार में जाते हैं, ऐसे कुछ कोई स्पेशल ओकेजन परचेज करते हैं, तो जैस्मिन है, मैरीगोल्ड है, गैलार्डिया है, या गुलदाउदी या क्रिसमेंथम कहते हैं आपको, इन पौधों को हम खरीदते हैं तो जो हमें किलो के भाव से भी मिल जाते हैं, ऐसे लूज फ्लावर्स होते हैं ये, और जनरली कट फ्लावर्स होते हैं ये पीस के हिसाब से मिलते हैं, कि मतलब ये 10 रुपये 5 रुपये जैसा भी उसके प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। तो ये लूज फ्लावर की बहुत डिमांड है, जहाँ माला का जो डेकोरेशन करते हैं हम डिफरेंट ओकेजन पे, और वहाँ या कोई ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ हम फ्लावर को ऑफरिंग करते हैं, यूज करते हैं, तो उस जगह यहाँ लूज फ्लावर का भी उपयोग होता है। अच्छा डॉक्टर पाठक, आपने ये जो दो तीन चीजें बताई, माफी चाहूंगा मैं आपको बीच में रुक रहा हूँ, लूज फ्लावर और कट ग्रीन्स की फ्लावर्स की आप बात कर रहे थे, कि मान लीजिए कि कट फ्लावर आपको लेने हैं और बहुत एक्सपेंसिव यही भी होते हैं, पीसेस के भाव में मिलते हैं आपको, बहुत
बहुतायत मात्रा में तो ये देखने को नहीं मिलते। यस, लेकिन बहुत बड़ा अगर कहीं ओकेजन है वहाँ आपने लगाना है, जलसा है कुछ भी है या किसी मंत्री की मीटिंग है बड़े नेता की, वहाँ पर इसको ज़रूर लगाते हैं। मंदिरों में आप जाएँ तो वो लूज़ फ्लावर है आपको जो ट्रेडिशनल जहाँ से भी मिल जाए खेत से या जहाँ से भी उनको लाया जाता है वो हम लगा देते हैं। तो इनके बीच में भी क्या वो प्रतियोगिता देखी जाती है कि नहीं, अगर ये पुष्प हैं तो अब इनका ही चलें तो इन्हीं के साथ चलें, या फिर जो खेतों में हम जो गुलाब देखते हैं जहाँ उनकी फुलवारी होती है जो पैदा होते हैं उनको भी एक साथ हम लेके चलते, तो आपको लग रहा है समय के हिसाब से दोनों में बहुत ज़्यादा कुछ एक अंतर आया है, किसकी मांग बहुत ज़्यादा है या उनका मर्म पीछे छूटता चला रहा है या फिर किसी के पीछे हम बेबह बजाय जाने जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये पर्पज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। जब हम फ्लावर अरेंजमेंट की बात करते हैं, जैसे बुके बनाते हैं तो उसमें हम कट फ्लावर का यूज कर सकते हैं क्योंकि बुके में हम लूज फ्लावर का यूज नहीं कर पाएंगे, तो जो फ्लावर अरेंजमेंट है। लेकिन जहां हमें माला बनानी है, बेनी बनानी है, गजरा बनाने हैं या रंगोली बनानी है या फ्लावर को और तरह से यूज कर सकते हैं या लूज फ्लावर का, तो ये पर्पज के हिसाब से होते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। इसी तरह से डिफरेंट ओकेजन पर डिफरेंट तरह के फूलों की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे फ्लोरिस्ट के पास जाएंगे तो दोनों तरह के फूल आपके पास अवेलेबल मिलेंगे आपको, तो जब वो बुके बना के देगा आपको या और कोई अरेंजमेंट करके देगा आपको या कोई और डेकोरेशन करेगा, तो जहाँ कट ग्रीन्स का या कट फ्लावर्स का यूज होगा, कट ग्रीन्स का मतलब यहाँ ये है कि जो आपने देखा होगा कि जब हम गुलदस्ता बनाते हैं जिसे बुके कहते हैं, बुके में फूल के साथ में कुछ हरी पत्ते वाली चीजें भी लगी रहती हैं, तो उन्हें कट ग्रीन्स कहते हैं, जो फिलर्स का भी काम कर सकती हैं और शोभा भी बढ़ाती हैं उस चीज की। तो इन चीजों का यूज है, उपयोगिता के ऊपर निर्भर करता है और समय के हिसाब से किस में किस तरह की डिमांड होती है इस हिसाब से है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, हर तरह के फूल की रिक्वायरमेंट है। कट फ्लावर की जगह कट फ्लावर की जरूरत पड़ती है हमें और लूज फ्लावर की जगह लूज फ्लावर की। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को अप्रिशिएट किया। थैंक यू। एक चीज और भी जाननी थी इससे पहले कि आप आगे बढ़े डॉक्टर पाठक, आपने अभी जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो आपने जलवायु की भी बात करी थी कि कौन से पेड़ आपको जो पौधे हैं किस जलवायु में आपको उगाने चाहिए नहीं चाहिए। एक बहुत महान शायर है, उन्होंने दो तीन बातें लिखी थी कि शजर अगर आपको लगाना है तो ज़मीन को परख लेना, वो हर मिट्टी की फितरत में वफादारी नहीं होती। मान लीजिए दक्षिण की वातावरण से एक पौधा में ले आया और मुझे वो लगाना है नॉर्थ जोन में, मान लीजिए मैं दिल्ली या आसपास के क्षेत्र में रह रहा हूँ और उसकी जो तापमान की जो जलवायु है वो इधर इसके हिसाब से सूट नहीं करती, अगर मुझे यहाँ पर उगाना है तो ये जानकारी मुझे कैसे मिले कि फला फला जो वृक्ष है, फला फला जो पौधा है, फूल है, उसको अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो ये आदर्श दशाएँ होनी चाहिए, तब मैं जाकर उसको उगा पाऊँ और बागवानी अच्छी कर पाऊँ? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे हमने इसमें बताएंगे आपको, जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स किया है तो क्लासिफिकेशन का जो हमने प्रोग्रेस किया उसमें किया है कि रेनी सीजन के लिए कौन से हैं, विंटर सीजन के लिए, समर सीजन के लिए कौन से हैं, ये चीज होता है। दूसरे कुछ पौधे ऐसे हैं जो ऑल ओवर कंट्री ग्रो होते हैं, जो मतलब उनमें उस तरह का वेदर का इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन कुछ पौधे स्पेसिफिक होते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे आप एप्पल है, एप्पल ट्री है, तो एप्पल ट्री जो हिली एरिया है आपका, जो हिमाचल है, उत्तराखंड है या कश्मीर में होता है, अब हम दिल्ली में या भोपाल में हम एप्पल को ग्रो करेंगे तो उसमें एप्पल का ग्रोथ तो हो जाएगी, पौधा तैयार हो जाएगा, लेकिन हमें अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिलेगी, क्वालिटी फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। इसी तरह के फ्लावर्स में कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं, जिसके बारे में हम आगे थोड़े से आपको विस्तार के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इसमें हमने क्लासिफिकेशन फ्लावर में इस चीज को हमने रखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो पॉटेड प्लांट के बारे में बताते हैं। पॉटेड प्लांट में सभी लोग जानते हैं गमले में पौधे को हम लगाते हैं, वो पॉटेड प्लांट है सर। तो पॉटेड प्लांट का भी स्कोप है, जैसे हम खरीदने जाते हैं तो कभी कभी गमले से पौधे को हम लाते हैं जिसमें पौधा लगा के देते हैं, वो आपके पास घर में लगाते हैं, या आपको मालूम होने चाहिए कौन से पौधे ऐसे हैं जो हम पॉट में यूज कर सकते हैं। तो ये सीजनल्स भी हो सकते हैं और पेरिनियल्स होते हैं। सीजनल्स का मतलब है जो सीजन विशेष के लिए हम लगाते हैं, विंटर सीजन में लगा दिए, विंटर सीजन में फ्लावरिंग होने के बाद में हमारा गमला खाली हो गया, तो समर सीजन के उसमें लगाएंगे। तो इस तरह के जो पॉटेड प्लांट है इनका भी बहुत ज्यादा स्कोप है हमारे पास। दूसरी चीज फ्लावर सीड प्लांटिंग मटेरियल होता है, इसमें भी नर्सरी का स्कोप है, क्योंकि आपने हमें जॉब अपॉर्चुनिटी की बात बताई थी क्या कर सकते हैं, तो उसके मद्देनजर ये बातें हैं कि फ्लावर सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम फ्लावर प्रोडक्शन होता है तो हमें सीड की भी आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सी प्राइवेट कंपनी हैं और फार्मर्स हैं जो फ्लावर के सीड का उपयोग मतलब करते हैं और उन्हें मार्केट में ले जाते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ जैसे आपका जो बल्बस प्लांट्स हैं, जिसमें आपका ग्लेडुलस है और पौध डहेलिया है, लिलीज है, इनमें क्या बल्ब तैयार करने पड़ते हैं हमें, क्योंकि जब हम बोते हैं तो उनके कोई प्लांट का पार्ट्स यूज कर सकते हैं, किसी में सीड का यूज कर सकते हैं, किसी को और तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो हमें प्लांट मटेरियल तैयार करने के बाद नर्सरी में हम उसे सप्लाई करते हैं। ये तो उसी में नर्सरी का एक स्कोप है। तो नर्सरी जब हम स्टेब्लिश करते हैं तो नर्सरी एक परमानेंट बिजनेस है हमारी, जब एक बार सेटल हो जाती है
तो उसमें प्लांट को प्रोड्यूस करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं और डिफरेंट पर्पज से करती हैं। जैसे वेजिटेबल नर्सरी है तो वेजिटेबल के प्लांट्स हैं जो सीजन के हिसाब से हम ग्रो करेंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट है, फ्लावर प्लांट्स हैं, उनको हम ग्रो करेंगे। तो इस तरह से हम चीज़ों को पैदा करते हैं। दूसरी चीज लॉन का आप देख रहे हैं, जैसे कहते हैं कि लंग्स ऑफ सिटी कह सकते हैं लॉन को, जो बड़े बड़े खुले मैदान होते हैं दिल्ली में भी देखते हैं आप, तो इनमें ग्रीन कारपेट होती है, हरी होती है, तो इसमें ऑक्सीजन भी मिलती है और हमें ओपन स्पेस भी मिलता है। और इनका जो मेंटेनेंस है, प्रॉपर डे टू डे मेंटेनेंस है, कौन सी घास किसके लिए उपयोगी है, किस सॉइल के लिए कौन सी घास यूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हम साइनोडाइन डेक्नोन दो घास यूज करते हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग प्रकार हैं कि खेल ग्राउंड है तो उसमें कौन सी घास यूज करेंगे, या जहां मार्सी लैंड है जहां बहुत ज्यादा नमी है तो उसके लिए हम कौन सी घास यूज करेंगे, तो इनका ये है। दूसरा जो स्कोप है उसका ये परफ्यूम्स है, जहां जो खुशबू बनाते हैं, इत्र बनाते हैं, सेंट बनाते हैं, जैसे रोज का आपने देखा है, चमेली का है, इस सब तरह की जो इत्र बनती है, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है। और हम इनको डिस्टिलेशन प्लांट में या जो भी प्रोसीजर होती है उस हिसाब से हम इनसे परफ्यूम्स बनाते हैं। कलर ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो हम कॉस्मेटिक्स से लेके और चीज़ों में यूज कर सकते हैं, और ये इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है, उनका भी हम इन फूलों से और ऑर्नामेंटल प्लांट से यूज कर सकते हैं। दूसरा एक ड्राइड फ्लावर है, आपने देखा घर में जो आपके पास जो स्पेस होता है उसमें हम कुछ ऐसे हैं ड्राइड फ्लावर को, जो बट पोरी होती है, जो आप मार्केट में जाएंगे तो मिलती है, हमें पॉलीथिन में पैक मिलते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। या और जो ड्राई फ्लावर आप हम पहले उसे पौधों को फूल को स्टेम से ड्राई कर लेते हैं, डिफरेंट पर्पज से ड्राई करते हैं और उनको ऊपर उससे रख देते हैं, तो हमें केयर मेंटेनेंस की हमें कम जरूरत पड़ती है। लाइव होते हैं तो जो मतलब होते हैं ग्रीन होते हैं, जो उनमें क्या है पौधे के लगाते हैं पॉट में या बास में, फ्लावर बास में, तो वो दो तीन दिन में सूख जाते हैं, लेकिन ड्राई फ्लावर एक बार आपने लगा दिया तो रखे रहते हैं, तो ड्राई फ्लावर का है। और ये पॉल्यूशन के लिए तो हम लोग जानते ही हैं, पौधे जब भी जहाँ भी लगाते हैं हम, तो कई तरह के, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या साउंड पॉल्यूशन हो या और तरह के पॉल्यूशन है, उसमें ये हमें हेल्प करते हैं, तो ये इसका पार्ट है। फिर ये फ्लावर की सबसे बड़ी चीज एस्थेटिक वैल्यू होती है, बहुत एक इंपॉर्टेंस है, एक साइकोलॉजिकल होता है, जब हम जैसे हमारा मूड अपसेट है या हम कुछ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जब गार्डन में जाते हैं और बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें बड़ा कंफर्ट होता है, बड़ा हमें प्लीजेंट फील होता है जब हम फूलों के बीच में रहते हैं या ग्रीनरी के बीच में रहते हैं। तो एक तो इसका इंपॉर्टेंस में ये साइकोलॉजिकल है, दूसरा लैंड स्केपिंग की बात है, तो लैंड स्केपिंग में जो है कि इसमें जो पीस है लैंड को हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उसका हम प्रॉपर यूज कैसे कर सकते हैं। तो एक तो साइकोलॉजिकल हो गया, तो साइकोलॉजिकल में तो आप देख रहे हैं कि मतलब जो टहलने जाते हैं तो डिफरेंट तरह की ग्रीनरी हमें देखने को मिलती है, तो हमें प्लीजेंट लगता है, तो एस्थेटिक सेंस है उसका। दूसरा इंडोर गार्डनिंग की बात है, तो जब हमारे पास जो भी हमारे पास हम जहाँ रहते हैं, तो हम चाहे वो हमारे पास जमीन का टुकड़ा है, थोड़ा सा स्पेस है, तो उसमें पौधे ग्रो सकते हैं या पॉट प्लांट कर सकते हैं, तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, इंडोर गार्डनिंग है, रूफ गार्डनिंग है, छत पर भी हम पौधे ग्रो कर सकते हैं, तो इन कौन कौन से पौधे उसके लिए सूटेबल होते हैं, कैसे ग्रो करेंगे, ये बहुत बड़ा स्कोप है। फिर फ्लावर अरेंजमेंट के बारे में जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि डिफरेंट तरह के आर्टिस्टिक वे में हम जो फ्लावरों का अरेंज करते हैं, उनके डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, यूज कर सकते हैं, तो वो जो है फ्लावर अरेंजमेंट में आते हैं, बुके है या गार्लैंड है या डिफरेंट तरह के डेकोरेशन भी यूज कर सकते हैं, तो इनका यूज कर सकते हैं हम। और इम्पोर्टेंस तो आप जान ही रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर्स में ये है कि जो जब से मानव सभ्यता है तब से फूलों का उपयोग करते चले आ रहे हैं, हमारा कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता सोसाइटी में कि जहां हम फूलों का यूज ना करते हों। और दूसरी चीज है कि जो हमारी फीलिंग्स को कन्वे के लिए हम फूल देते हैं किसी आदमी को, तो अपनी फीलिंग कन्वे करने के लिए भी हम फूलों का यूज करते हैं। और दूसरी चीज है कि जो ये हमारे जो फूल हैं जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बर्थडे पूजा में तो यूज करते ही हैं, और बर्थडे पार्टी है या आपका कभी कोई विशेष फंक्शन है या कभी कभी डेथ है, अस्पताल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जब हम कोई फूल का यूज कर सकते हैं, तो फ्लावर का बहुत तरह से यूज है। और जो गार्डन डेकोरेशन में है, गजरा है, बेनी है, रंगोली है, गार्लैंड है, बुके है, इन सभी में फूलों का यूज हो सकता है। फ्लावर कल्टीवेशन में एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि पर यूनिट एरिया में प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है और प्रॉफिट भी ज्यादा मिलती है, क्योंकि इसकी मार्केट रिक्वायरमेंट डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी चीज इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल होती है, एसेंशियल ऑयल्स होती हैं, परफ्यूम्स होते हैं, जो जैसे हमने आपको बताया था रोज वाटर है या रोज का जो परफ्यूम है, चमेली का है या और जो तरह के परफ्यूम बनते हैं, तो उनमें इनका बहुत ज्यादा हम फ्लावर प्रोडक्शन का यूज कर सकते हैं। या फ्लोरा या आपके जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं जैसे या गुलकंद वगैरह जो बनाते हैं हम या और यूज कर सकते हैं, तो इनमें फूलों का यूज कर सकते हैं हम। ये दूसरी चीज जो फार्मास्यूटिकल एंट्री है या फार्मास्यूटिकल और
न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इनमें भी फूलों का बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें। और जो फ्लावर जो होते हैं, जो इनमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंथोसाइनिन होते हैं, जो कंपोजिशन होती है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जैंथोफिल पिगमेंट होते हैं, जो हमें डिफरेंट पर्पज से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। अब इनका जो स्कोप की बात है, स्कोप क्या है फ्लोरिकल्चर का, फ्लोरिकल्चर का जो स्कोप है जो इंडिया में, वो आप जान ही रहे हैं कि डे बाई डे जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, फूलों का उपयोग दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो एक तो ये है कि एस्थेटिक सेंस के हिसाब से जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, वहाँ परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, लोग डेंस पॉपुलेशन में रह रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इसको प्रमोट करती हैं। दूसरी चीज़ है डिमांड जो फ्लावर प्लांट्स की है, जो या फ्लोरिकल्चर प्लांट्स की है, वो हमारा डिफरेंट पर्पज के अकेजन के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो डे बाई डे इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है डिफरेंट पर्पज से यूज करने की, चाहे वो लूज फ्लावर की बात कर रहे थे या कट फ्लावर्स की बात कर रहे थे, ग्रीन्स की बात कर रहे थे, या हम जनरली माला बनाते हैं, बेनी बनाते हैं, गजरा लगाते हैं, उनमें भी फूलों का यूज कर सकते हैं। दूसरी डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट के हिसाब से इंडिया में तो हम खरीद सप्लाई करते हैं, डिफरेंट प्रदेशों में जाता है, फूल हम ग्रो कर सकते हैं लोकल नीड को फुलफिल करने के लिए। लेकिन हमारा विदेशों में भी इसकी बहुत डिमांड है, जो गल्फ कंट्री है और कंट्री है, या टेम्परेट कंट्री है जहाँ बर्फ गिरती है, जहाँ साल भर हमारा जैसा मौसम नहीं रहता है, वहाँ इंडिया से हम फूल बाहर भेजते हैं, और इसमें आगे बहुत बड़ा अच्छा स्कोप है यूरोप एंड एशिया में। ये दूसरी चीज इसमें ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रो क्लाइमेट कंडीशन जो है, हम इंडिया में ऐसा है कि हमारे यहाँ साल भर हर तरह का सीजन अवेलेबल रहता है, तो हम साल भर फूल पैदा कर सकते हैं अपनी कंट्री की डिमांड के हिसाब से, और विदेशों में फूल को हम भेज सकते हैं। ये अब विंटर सीजन जो है कंट्री में हमारे यहाँ क्या है कि माइल्ड रहती है, तो हम विंटर सीजन में कर सकते हैं, जहाँ स्नोफॉल होता है वहाँ इस तरह की थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। जो बायोडाइवर्सिटी भी हमारे है, और दूसरी चीज इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत है, जैसे फ्लोरिस्ट आप में देखें हजारों लाखों फ्लोरिस्ट मिलेंगे दिल्ली से लेके हर शहर में, तो ये एक बिजनेस है आपका। तो फ्लावर परचेज करना जो होलसेल में परचेज करते हैं वो एक अलग बिजनेस है, नर्सरी का एक अलग बिजनेस है, प्रोडक्शन करना, खेती करना, वो एक अलग तरह का पार्ट है, मतलब हम बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरा फ्लावर अरेंजमेंट, फ्लावर का उपयोग करना, डेकोरेशन में यूज करना, ही अलग तरह का बिजनेस है। तो इस तरह के इसका जो स्कोप है बहुत ज्यादा स्कोप है फ्लोरिकल्चर का, और आगे वाले समय में इसकी डे बाई डे जो है इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। इसमें अब जरूरत है यहाँ कि हमें इसके लिए ट्रेंड वर्कफोर्स चाहिए, जो अब तक ऐसे लोग हों जो अपने फील्ड में फ्लोरिस्ट है तो वो भी ट्रेंड हो, फार्मर्स हो वो भी ट्रेंड हो, और जो मार्केटिंग में रिटेल का काम कर रहे हैं सभी ट्रेनिंग अवेलेबल होने से हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी और हमारी इफिशेंसी भी बढ़ती है इसमें। और दूसरी लैंडस्केपिंग का जो पार्ट है, जो गार्डन हम डेवलप करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ इस्टेब्लिश होती हैं, तो कॉलोनियों में हम पाथ होते हैं और जो रास्ते होते हैं उनको कैसे डेकोरेट करें, कौन कौन से प्लांट उन रास्तों में लगा सकते हो। दूसरी चीज उसमें साथ साथ है फ्लावरिंग की बेड्स कहाँ कहाँ बना सकते हैं, और उसके तो एस्थेटिक वैल्यू के हिसाब से और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है या वाटर पॉल्यूशन, उनको कैसे रोकेंगे, इस हिसाब से लैंडस्केप डिजाइन इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। लॉन की हम बात कर ही चुके हैं, आप स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है इनका स्कोप बढ़ रहा है। आपको वर्टिकल गार्डन की बात हो रही है, अब वर्टिकल गार्डन में क्या है कि जहाँ हमारे पास स्पेस कम है तो रूफ गार्डन है, किचन गार्डन है, वर्टिकल गार्डन है, इन सब चीजों में भी पौधों का हम पौधे लगाते हैं, और ये स्कोप है, मतलब एक नई तरह की तकनीक है ये। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी पार्क होते हैं, मेंटेन करते हैं, जो और भी अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और तरह के इंस्टीट्यूशंस उनमें सब तरह का इनका मेंटेन होता है। नर्सरी का जो काम है बहुत बड़ा जो है, उसमें बल्ब्स हैं, कॉर्म्स हैं, ट्यूबर्स हैं, राइजोम्स हैं, इनको हम ग्रो करते हैं और इन्हें मार्केट करते हैं, क्योंकि हमें हर साल सीड तैयार करना होता है, ऐसा नहीं एक बार करके रख लिया तो हर साल हमें सीड, तो मतलब ये प्रोडक्शन हमें हर साल करना पड़ेगा और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से। हाई टेक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात है, कट फ्लावर्स को यूज कर सकते हैं, जो हमने आपको पहले भी जो रोल बताया था प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात है, जो कंट्रोल एनवायरमेंट में कर सकते हैं, उनका स्कोप बहुत ज्यादा है। एक्सट्रैक्शन की बात है ऑयल की है, तो ये सब चीजें जो है हम बात कर रहे थे आपसे कि फ्लावर का क्या स्कोप है हिंदुस्तान में और आगे इसका भविष्य क्या है। दूसरी बात क्लासिफिकेशन, जो आपने धर्मेंद्र जी ने हमसे क्वेश्चन किया था कि कौन से पौधे कैसे करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम आपको बता दें, लूज फ्लावर कट फ्लावर्स के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि कौन कौन से लूज फ्लावर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन जो करते हैं लूज फ्लावर के हिसाब से करते हैं, कट फ्लावर्स के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा एनुअल्स, बायनियल्स एंड पेरिनियल्स के हिसाब से। एनुअल्स मतलब एक वर्षीय पौधे होते हैं, वो दो वर्षीय पौधे होते हैं, और पेरिनियल्स मतलब बहुवर्षीय पौधे होते हैं। मतलब जैसे एनुअल्स लगाते हैं सर्दी के सीजन में, हम बहुत से मैरीगोल्ड है, गेंदा लगाते हैं, पेंसी है, पिटूनिया है, जीनिया है,
में, ये क्या है कि 4-5 महीने के होते हैं, फूल आते हैं खत्म हो जाते हैं, तो इन्हें एनुअल्स की श्रेणी में रखते हैं हम। और जो वाइनियल्स होते हैं इनकी लाइफ साइकिल सीड टू सीड, मतलब सीड हम सोइंग करने से लेके दूसरी साल सीड पैदा होने में 2 साल लगते हैं। तो जैसे एमरांथस है, कॉस्मोस है, हॉलीहॉक है, पेंसी, ऐसे पौधे होते हैं जिनकी वाइनियल नेचर के होते हैं। ये जानकारी इसलिए जरूरी होती है, जब हम परचेज तो कर लाते हैं पौधे, जब हम जब लगाना शुरू करते हैं तो हमें उस तरह के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं। तो जब हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये पौधे किस नेचर के हैं। पेरिनियल्स पौधे ऐसे होते हैं जो एक बार लगाने के बाद लंबे समय तक हमारे गमलों में या जिस प्लेस पे लगाते हैं बने रहते हैं, जैसे एग्लोनीमा है, कैलेथिया है, क्लोरोफाइटम है, जिरेनियम है, मरांटा है। ये पौधे एक बार हम गमले में लगा दें या किसी पीस ऑफ लैंड में लगा देते हैं टुकड़े में, तो ये लंबे समय तक चलते रहते हैं, हम सब उनकी केयर करनी पड़ती है। दूसरी चीज जो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जो हर्बेसियस पेरिनियल्स होते हैं, जो मतलब हर्बेसियस नेचर के होते हैं, जिनमें बूढ़ी नहीं होती, झाड़ीदार नहीं होते हैं, जिरेनियम, जरवेरा, ये सब हर्बेसियस पेरिनियल्स हैं जिनकी लाइफ लंबी होती है, 3-4 साल 5 साल तक पौधे ये आराम से सर्वाइव करते हैं। और जो बूढ़ी पेरिनियल्स होते हैं इनमें क्या होता है कि इनकी जो स्टेम होता है वो मजबूत होता है और हार्डी नेचर का होता है, और इसमें मोस्टली झाड़ियाँ जो होती हैं जैसे बुशेस कहते हैं वो आते हैं, केसिया है, केसिया फिस्टुला है, हिबिस्कस है जैसे गुड़हल कहते हैं, कुस्कुलस इंडिका है जैसे हम रंगून क्रीपर है, बेल होती है, इस तरह के जो पौधे होते हैं बूढ़ी नेचर के होते हैं इसमें शामिल होते हैं ये। अब विंटर सीजन के लिए और समर सीजन की रेनी सीजन के लिए, अब जो हम बात आ रहे थे कि किस क्षेत्र में कौन से पौधे होते हैं, तो हम जैसे मान लें विंटर सीजन में आया है तो विंटर सीजन के जो पौधे हैं अब उनका क्लासिफिकेशन है विंटर सीजन के, तो विंटर सीजन के हिसाब से देखा जाए तो इनका थोड़ा सा जानकारी ये होनी चाहिए कि सेप्टेम्बर अक्टूबर में उनकी नर्सरी तैयार करते हैं, सीड को बोते हैं, और उनको जब मेन फील्ड में जाके हम जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो अक्टूबर नवंबर के आसपास करते हैं। तो उसमें जो पौधे हैं कैंडी टफ्ट है, एंथूरियम है, लार्क स्पर है, पेंसी है, पिटूनिया है, ये बहुत से ऐसे पौधे हैं इस सीजन में, तो आपको बहुत ही फूल के पौधे देखने को मिलते हैं, हर जगह मिलेंगे आपको, नर्सरी में भी जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, क्योंकि विंटर सीजन में बहुत से पौधे ऐसे हैं जो फ्लावरिंग प्लांट हमें आप ऑलरेडी एनुअल्स पेरिनियल्स और सीजनस प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है समर सीजन में हम कैसे फूल पैदा करें और कौन कौन से पौधे ऐसे होते हैं समर सीजन में हमें फूल दे सकते हैं, तो उसमें जो है हम उनकी नर्सरी जो है सीड सोइंग करते हैं फरवरी के आसपास करते हैं, मार्च में उसकी हम सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, पौध तैयार करते हैं, और मार्च अप्रैल में उनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। अब इसमें गर्मी के लिए जो पौधे हैं कॉस्मोस है, रेडिया है, गोम्फ्रीना है, कोचिया है, मेरी सीडलिंग्स को हम ट्रांसप्लांट करते हैं वो जुलाई के आसपास करते हैं, और उसके बाद फिर हमें पूरे सीजन भर हमें आपको चाहे वो ग्रीन्स हो मतलब ग्रीनरी दिखे आपको या फ्लावर्स मिले, तो एम्ब्रांथस है, बालसम है, गैलार्डिया है, जीनिया है, कोचिया है, गोम्फ्रीना है, मेरीगोल्ड है, ये पौधे ऐसे हैं। मेरीगोल्ड ऐसा है कि हम देखते हैं साल भर हम पैदा कर सकते हैं, इसकी वैरायटी अवेलेबल है विंटर में भी, समर में भी और रेनी सीजन में भी कर सकते हैं जो, और ये हाँ लेकिन कुछ स्पेसिफिक पौधे हैं जो समर में ही हम ग्रो कर सकते हैं जिनकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट एज वेल एज लाइट की रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है ये। दूसरी बात जो ग्रोथ बिहेवियर के हिसाब से जो हर्बेसियस होते हैं जो हम आपको बता चुके हैं जिनके स्टेम बहुत हार्डी नहीं होते हैं, लिलियम वर्बीना वॉल्विलिया जो मतलब उस तरह से नेचर होते हैं वो है क्लासिफिकेशन है इनका। दूसरा श्रब्स होते हैं जो झाड़ीदार पौधे होते हैं, बोगनविलिया है, जैस्मिन है, मेहंदी का पौधा होता है जैसे कहते हैं, हिमालया है, टिकोमा है, ऐसे पौधे होते हैं जो श्रब्स होते हैं झाड़ीदार पौधे होते हैं, इनको हम डिफरेंट पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो फ्लावरिंग तो होते भी हैं और पर्पज विशेष से अपने स्थान विशेष के हिसाब से इनका हम सिलेक्शन करते हैं कि कहाँ ये पौधे लगाएंगे देखने में अच्छे लगेंगे और उनकी उपयोगिता कहाँ ठीक रहेगी। ट्रीज होते हैं तो ट्रीज में तो सभी लोग जानते हैं पेड़ पेड़ों के बारे में, लेकिन जो फ्लावरिंग ट्रीज हैं जैसे मलतास है, गुलमोहर है, कदम है, पलास है, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कर सकते हैं ये। अब जैसे पलास के हम पौधे के बारे में बात कर रहे थे, पलास का पौधा वहाँ अच्छी तरह से पैदा होता है जहाँ आपकी जमीन बहुत फर्टाइल नहीं है, बहुत उर्वरा शक्ति जमीन की अच्छी नहीं है, जहाँ टेम्परेचर हाई रहता है और इरीगेशन की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, वहाँ हम पलास के पौधों का यूज कर सकते हैं, गुलमोहर के पौधों को भी लगा सकते हैं। तो ये सीजन क्षेत्र विशेष के हिसाब से जो पौधों का सिलेक्शन करते हैं वो हम इस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हिली एरिया में इस तरह के पौधे हमारे वो नहीं चलेंगे, उनके लिए फिर हम दूसरे पौधों का सिलेक्शन करना पड़ता है। अब दूसरे होते हैं जो बेल और लताएं होती हैं, जो हम क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स की बात करते हैं, तो ये हम डिफरेंट पर्पज जैसे घर में होते हैं जो हमारा आर्च होता है उस पर हम ग्रो कर सकते हैं, या बिल्डिंग होती है उस पर ग्रो कर सकते हैं, या ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से हम क्लाइंबर्स और क्रीपर्स का
यूज कर सकते हैं। तो इनमें जो तो रंगून क्रीपर है, कुस्कुलस इंडिका है आपका जैसे कहते हैं, और थनवर्जिया है, और मधुलता है, एंटीगोनन है, ये ऐसी तमाम लताएं होती हैं जो हमें फूल भी देती हैं, उनका लुक भी बहुत अच्छा होता है, और डेकोरेशन मतलब घर हो या ऑफिस हो सज्जा के हिसाब से मतलब खूबसूरती के हिसाब से बहुत अच्छी होती है, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमें मालूम होना चाहिए बच्चे को कि भाई कौन कौन से पौधे होते हैं, इनका बिहेवियर क्या होता है, उस हिसाब से कैसे है। दूसरी बात जो है प्रोपोगेशन, जैसे मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बल्ब से तैयार होते हैं, जैसे लिली है, ट्यूब रोज है, ये ऐसे पौधे हैं जो बल्ब से तैयार होते हैं, कुछ कॉर्म से तैयार होते हैं जो ग्लैडुलस है इसमें भी आता है, और आपका टिटोनिया है, वेस्टोनिया है, ये ऐसे पौधे जो कॉर्म से तैयार होते हैं। राइजोमेटस प्लांट होते हैं जैसे कैना है, जैसे कनेर वो कहते हैं कैना, तो केली जैसे कहते हैं, लोटस है, आयरिस है, ये पौधे ऐसे हैं जिनके पौधे का मल्टीप्लीकेशन राइजोम से होता है, और ट्यूबर्स से जानते हैं बेगोनिया है, डहेलिया है, जो ट्यूबर से पौधे तैयार होते हैं, जो रूट ट्यूबर्स होते हैं उनसे पौधे तैयार होते हैं। क्योंकि इनके बारे में जानकारी होने से ये रहता है कि जब हम पौधे लगाते हैं तो केयरिंग का भी पता लग सकता है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए इनसे एक पौधे से अनेक पौधे बनाने में हमें मालूम होना चाहिए कि इसका जो मल्टीप्लीकेशन है प्रोपोगेशन कैसे होता है। जब प्रोपोगेशन के बारे में जानकारी होती है तो एक बार हम पौधा खरीद के लाते हैं अपने घर में लगाते हैं, उससे फिर हम कई पौधे बना लेते हैं, लेकिन जब हमें प्रोपोगेशन के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम पौधे को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हमें मालूम हो जाए किस पौधे में किस तरह से मल्टीप्लीकेशन होता है। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे नर्सरी मैनेजमेंट की, नर्सरी मैनेजमेंट क्योंकि ऐसा है कि नर्सरी इटसेल्फ में बहुत बड़ा व्यवसाय है, और ये देश में बहुत बड़ी बड़ी नर्सरियां हैं जिसमें करोड़ों का टर्नओवर है, ऐसी भी नर्सरी हैं, और उनसे पौधे लोग खरीद के अपनी छोटी नर्सरी में लाते हैं और उन्हें देते हैं। तो नर्सरी एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है, मतलब एक जमीन का टुकड़ा होता है जहां मैनेज कर सकते हैं, जैसे और जब खेत में जब प्रॉपर फील्ड में जब पौधे लगाते हैं उसके पहले हम कुछ सीड ऐसे होते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, 50,000 रुपये kg, 60,000 रुपये kg के सीड है, और उससे भी महंगे सीड होते हैं, तो उनको हम सीधे डायरेक्ट फील्ड कंडीशन में सोइंग करने से क्या जर्मिनेशन कम होता है और भी नुकसान की गुंजाइश रहती है। तो पहले हम नर्सरी में ऐसे पौधों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उनकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। और दूसरी फायदा नर्सरी में करने से ये होता है कि जैसे हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजना है, जैसे आपने दिल्ली में नर्सरी केवेज है, कॉलीफ्लावर है, आपका वेजिटेबल नर्सरी तैयार की है, तो वहां से हम पैकिंग करा के एक स्थान से दूसरे स्थान, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पौधों को। तो नर्सरी का जो महत्व है वो यही है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया पैदा कर सकते हैं कम स्पेस में, दूसरा मेंटेनेंस जो हाइब्रिड सीड्स हैं, जो कॉस्टली सीड्स हैं, उनको हम वहाँ ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है कंट्रोल कंडीशन रहती है, क्योंकि इसमें हम जैसे बहुत हीट है, जैसे समर कंडीशन में लू चलती है, हीट वेव्स हैं जो आती हैं, या कोल्ड वेव्स हैं, पाला है तुसार पड़ता है, या बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग का एरिया है, तो ऐसी कंडीशन में जब नर्सरी में ग्रो कर सकते हैं तो हम इन चीजों से अपने पौधों को बचा सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल कंडीशन कर सकते हैं, वहां मैनेज कर सकते हैं शॉर्ट एरिया में, तो और हम इन सीडों को मतलब इस पौधे तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि नर्सरी में पौधे तैयार करने से हमारा समय बच जाता है, सीधे हम फील्ड पे ले जाएंगे तो उसमें सोइंग करेंगे, फिर जर्मिनेशन होगा, तो हमारा जो एक महीने का टाइम जो पौधा फील्ड में तैयार होने में लेगा, तो एक महीने हम पहले नर्सरी में तैयार पौधा कर लेंगे और लगाएंगे, तो हमारा प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगा और मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इसका उत्पादन मिलेगा, फूल है या फल है जो भी है। तो मैनेजमेंट ऑफ सीडलिंग्स कर सकते हैं, और मैनिपुलेशन ऑफ ग्रोइंग एनवायरनमेंट तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जो अपने हिसाब से वातावरण को कर सकते हैं। फिर जो सिलेक्टिंग है, जो आपका जो है अच्छे विग्रस प्लांट मिलते हैं हमें, हेल्दी मिलते हैं, यूनिफॉर्म ग्रोथ मिलती है हमें नर्सरी में, तो ऑफ सीजन का जो प्रोडक्शन है वो भी हम कर सकते हैं, जहाँ प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन की बात है, पॉली हाउस की बात है, तो हम ऑफ सीजन क्रॉप भी वेजिटेबल को हम नर्सरी में तैयार कर सकते हैं। जो इनपुट्स हैं, जो खाद पानी का यूज होता है, लेबर का होता है, तो जुडिशियस यूज हो सकता है, जिसमें आवश्यकता अनुसार इस चीज को हम यूज कर सकते हैं। और जो कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट डिजीज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं नर्सरी में हम, क्योंकि हमारे पास स्पेस लिमिटेड होता है, तो हमारी जो मॉनिटरिंग होती है वो स्ट्रांग रहती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग से हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको रिएक्टिफाई कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, और जिससे हमारा कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। और दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी तो अवेलेबल है ही, लोग जो वर्कर काम करते हैं। अब ये आता है कि नर्सरी की तो बात हो गई है, अब नर्सरी हमें लगानी है तो क्या करना है।
तो उसके लिए पहले तो हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो लोकेशन ऐसी हो जहाँ कनेक्टिविटी हो, आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है टॉपोग्राफी की बात कर रहे हैं कि लैंड अच्छी होनी चाहिए, अनड्यूलेटेड नहीं हो, उबड़ खाबड़ ना हो, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं अच्छी है तो हम उस नर्सरी की सॉइल में कुछ चीज़ें मिला के, खाद है, रेत है, मिला के उस सॉइल को अपने उपयोगी बना लेते हैं। दूसरी बात वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, नर्सरी जहाँ लगा रहे हैं वो वाटर की मतलब वाटर अवेलेबल हो और क्वालिटी वाटर अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि जब खारा पानी है, सेलाइन है, एल्कलाइन वाटर है तो वो अच्छा नहीं होता। ड्रेनेज है जहाँ वाटर लॉगिंग ना हो, आसानी से ड्रेनेज हो सकता हो। ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए क्योंकि हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पौधों को भेजना पड़ता है, तो चाहे मेटाडोर हो, ट्रक से जाते हैं पौधे, तो ट्रांसपोर्टेशन हो। लेबर अवेलेबल होनी चाहिए जो स्किल वर्कफोर्स की बात हम कर रहे हैं आपके पास। और प्रोटेक्शन ऑफ विंड एंड एनिमल के लिए जो होता है, जैसे तेज हवाएं चलती हैं तो उनके लिए हम विंड ब्रेक्स लगाते हैं, एनिमल है तो फेंसिंग करते हैं, तो इस एरिया को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और मार्केट नीड एंड डिमांड के हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं कि मार्केट क्या रिक्वायरमेंट है। फिर टाइप्स ऑफ नर्सरी की हम जो बात करते हैं, तो डिफरेंट तरह की नर्सरी, टेम्परेरी नर्सरी है, परमानेंट नर्सरी है। टेम्परेरी नर्सरी का मतलब यहाँ ये है कि जैसे मान लीजिए हमें कहीं कोई बिल्डर है और वहाँ कॉलोनी स्टेब्लिश कर रहा है, कॉलोनी स्टेब्लिश करने में उसे सैकड़ों तरह के पौधों की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, टाइम बींग अपनी नर्सरी तैयार कर लेगा और साल दो साल में अपने पौधे ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद वो जहाँ होगा उसका उपयोग करेगा, उसके बाद वो खत्म कर देगा वो। तो ये टेम्परेरी नर्सरी होती है, सीजनल रिक्वायरमेंट है या कोई ओकेजन विशेष रिक्वायरमेंट है, हम उसे ग्रो कर लेते हैं। तो ये इसमें हमारे कॉस्ट कम होती है, बहुत कम आती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम लगती है और इसमें केयर भी कम करनी पड़ती है क्योंकि उसी साइड पर हमें कोई विशेष प्रबंध नहीं करना पड़ता है। हाँ, परमानेंट नर्सरी जो है ये ऐसी चीज है जिसमें हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जैसे इसमें हमें कमरे की जरूरत पड़ेगी, एक आपका अकाउंट के लिए कमरा होगा, एक आपका ऑफिस भी होगा, दूसरी बात आपका ट्यूबवेल भी होगा और आपका शेड होगा जहां आप पौधे रखेंगे, या जो परचेज का के लिए जो सेल काउंटर भी बनाना पड़ेगा, जो कुछ तरह की जो परमानेंट नर्सरी में करते हैं ये। तो इसमें लार्ज एरिया में होता है, इंटेंसिव होता है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है और इसमें बेसिक फैसिलिटीज जो हैं, जो सेड नेट हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सबकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है और इनिशियल कॉस्ट है इनकी हाई होती है। और दूसरी चीज ये है कि जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वगैरह जो हम इसमें आसानी से करते हैं, और ये इनमें एक और होना चाहिए कि कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए कुल मिला के किसी भी तरह की नर्सरी हो। तो उसके बाद ऑन दी बेसिस ऑफ प्लांट प्रोड्यूस में, तो ऑर्नामेंटल नर्सरी है तो ऑर्नामेंटल प्लांट करते हैं, तो ऑर्नामेंटल जहाँ लार्ज स्केल में ऑर्नामेंटल प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें हम ऑर्नामेंटल नर्सरीज कहते हैं। सिर्फ हमें एब्सोल्यूट वेजिटेबल प्रोडक्शन का काम करती है, वेजिटेबल नर्सरी होती है। फ्रूट प्लांट में जहाँ मैंगो है, गुआवा है, बनाना है या और तरह के जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, की वजह से हम वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम उनसे जुड़ाव कर पाएंगे जो कि डॉक्टर आर के पाठक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली। आज हम बात कर रहे हैं गार्डनर के ऊपर, नर्सरी से संबंधित महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स जो कौन कौन से हैं, कैसे कैसे फॉलो किए जाते हैं, क्या क्या उनकी आदर्श दशाएँ होती हैं, कौन कौन से जो फूल हैं जो गार्डनिंग के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं और कहाँ कहाँ पर उनकी उपयोगिता है, व्यवसायीकरण के माध्यम से भी, सुंदरता के माध्यम से भी और भी कई जो एस्पेक्ट्स हैं उनके माध्यम से भी। इससे संबंधित अगर आपके प्रश्न हैं तो तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास 20 मिनट का समय बाकी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, देखिए अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर 8800449 पर। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं क्लास 11 की जो आज हमारा सेशन उनके लिए डेडिकेटेड है, ईमेल आईडी देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अगेन dts.class7@cit.nic.in पर। इस जो प्रोग्राम का जो प्रसारण है, ब्रॉडकास्ट है, वो जा रहा है चैनल नंबर 6, 9 और 11 पर पीएम विद्या की जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम इस प्रोग्राम को आगे तक नहीं लेकर जा पाएंगे, फिलहाल आगे के प्रोग्राम के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, जल्द हाजिर होंगे लेकर एक नया प्रोग्राम, तब तक आप बने रहें प्रधानमंत्री विद्या चैनल के साथ, देखते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, नमस्कार।